आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर देश भर में अलर्ट। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, सभी राज्य सरकारों को गड़बड़ी फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के निर्देश। दिल्ली में हनुमान जयंती पर सुरक्षा के बीच निकाली जाएगी शोभा यात्रा। प्रशासन के तय रूट पर निकलेगी यात्रा। पिछले साल हिंसा की गवाह रही जहांगीरपुरी में, दोपहर 2 बजे निकलेगी यात्रा। कोलकाता हाईकोर्ट ने हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के निर्देश दिए हैं। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर अर्धसैनिक बल की 3 कंपनियां तैनात। हुगली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। रामनवमी जुलूस के दौरान हुगली में भारी हिंसा हुई थी। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू। हनुमान जन्मोत्सव पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर रेत से भगवान हनुमान की आकृति बनाई। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने कहा कि रामनवमी पर हमला जानबूझकर किया गया। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा सासाराम हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी साजिशों का खुलासा जांच के बाद होगा। बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से ही घर दर। बिहार के डीजीपी ने बुधवार को हिंसाग्रस्त सासाराम का दौरा किया। हिंसा मामले में अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके। संवेदनशील 93 जगहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार। बुधवार को भी सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित हुई थी। देश में सत्तारूढ़ बीजेपी आज मना रही अपना 44वां स्थापना दिवस। देश भर में पार्टी कर रही है कार्यक्रम आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देशव्यापी वॉल पेंटिंग राइटिंग अभियान की करेंगे शुरुआत। पार्टी कार्यकर्ता 300 से 303 सीटों के सफर और नारों को दीवार पर उकेरेंगे। बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। पीएम मोदी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपद घर में शिफ्ट होंगे। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल अकबर रोड स्थित मकान खाली कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम संगठनों को नसीहत दी। कहा सांप्रदायिक मामलों में सरकार की भूमिका तलाशने की जगह तथ्यों को देखें। बुधवार को मुस्लिम संगठनों के 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने की शाह से मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुना सकता है फैसला। सत्येंद्र जैन मई 2022 से जेल में बंद है। 21 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई। निचली अदालत से 2 बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने अपील की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका 12 अप्रैल को सुनवाई। सिसोदिया के वकीलों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर उठाए सवाल। 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात में पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गृहमंत्री सपरिवार सालंगपुर में कष्ट भजन हनुमान दादा के दर्शन करने के साथ 54 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड को देंगे योजनाओं की सौगात। गडकरी निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। महंगाई पर लगाम और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी के आसार। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हाईकोर्ट में अपील। एसएससी पेपर लीक में पुलिस ने बंदी संजय को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। बंदी की गिरफ्तारी के लिए के खिलाफ आज राज्यभर में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को लगा बड़ा झटका। केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर दायर याचिका खारिज। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और इस्तेमाल पर कांग्रेस सहित 14 दलों ने उठाए थे सवाल। केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की अपील खारिज होने पर बीजेपी अध्यक्ष ने तंज कसा। कहा उच्चतम न्यायालय ने दिखा दिया झूठी राजनीति करने वाले विपक्ष को आईना। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी विपक्ष की याचिका पर सवाल उठाया। कहा ऐसी याचिका से बीजेपी को मिलेगा राजनीतिक बढ़त का मौका।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। सुबह 11 बजे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद दोपहर 2 बजे होगी चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की उठाई मांग। कांग्रेस नेता ने कहा कि एलएसी की सच्चाई और घटनाक्रमों की जानकारी देने के लिए सरकार को सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अध्यक्ष ने दावा किया कि राहुल के अध्यादेश फाड़ने को लेकर नाराज मनमोहन सिंह पीएम पद छोड़ना चाहते थे। राहुल पर गुलाम नबी के किए हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आजाद बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड गुलाम नबी आजाद फॉर राहुल गांधी। व्हाट इज दैट? एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन दे आर इन द कांग्रेस। कन्नड़ अभिनेता किच्छा सुदीप बीजेपी में शामिल। एक्टर ने कहा, मैं केवल बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से उतरेगी। बुधवार को राज्य के दौरे पर आए आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से यह सम्मान दिया। कर्नाटक के बिदरी कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कादरी ने कहा कि कांग्रेस ने कद्र नहीं की और आपने सम्मानित कर मेरे अनुमान को झुठला दिया। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने खिलाफ नहीं हुआ, उसके बाद में खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं दे, मगर आप मेरा। केंद्र के खिलाफ आज विपक्ष निकालेगी रैली। सूत्रों के मुताबिक खबर है विजय चौक पर विपक्ष निकालेगी तिरंगा रैली। सूत्रों के मुताबिक तिरंगा रैली के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से विपक्ष साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्षी दलों के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की। सत्र के दौरान सरकार को घेरने पर मंथन किया। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है विपक्ष। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा, पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेसी पार्टी ने न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ काम किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस ने अपनी निजी कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई बनाने की कोशिश की। कि कोई विचारधारा नहीं बची है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा। बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। कहा, 3 साल की सजा वालों की सदस्यता रद्द नहीं, पर सच बोलने पर सदस्यता रद्द हुई। सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। एनसीईआरटी की किताबों से गांधी हत्या का संदर्भ हटाया गया। पाठ्यक्रम में बदलाव कर कई तथ्य हटाए गए। गांधी हत्या से आजादी के बाद जो किया वो संदर्भ भी हटाया गया। किताबों से आरएसएस हिंदू अतिवाद भी हटाया गया। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था, यही सच है। ये सच किताब से हटवा देने से मिटेगा नहीं। शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे का टीजर जारी किया गया। अयोध्या में शंखनाद आ रहा है एकनाथ। जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने किया प्रदर्शन। शिवसेना की मांग, रजौरी पूंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह मार्ग रखा जाए। किसान मजदूर संगठन का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे प्रदर्शनकारी। न्यूनतम भत्ते, ठेकेदारी प्रथा, अग्निपथ खत्म करने की मांग। किसानों के एमएसपी कर्ज माफी, पेंशन समेत कई मांगें।
यूपी बिहार एमपी समेत कई राज्यों से पहुंचे प्रदर्शनकारी, लेफ्ट पार्टियों के झंडे तले प्रदर्शन, किसानों का प्रदर्शन देखते हुए सिक्योरिटी टाइट दिखी। पंजाब सरकार ने युवाओं की मदद के लिए नौजवान सभा आयोजित करने का फैसला किया। सीएम मान के मुताबिक हर 15 दिन में नौजवान सभा का आयोजन किया जाएगा। पंजाब सरकार की पहल, नौजवान सभा में युवाओं से उनके बिजनेस आइडियाज लिए जाएंगे। बिजनेस आइडियाज को डेवलप करने के बाद पंजाब सरकार उनको आर्थिक मदद देगी। भगवंत मान ने कहा, पंजाब के नौजवान नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। हमको वर्क कल्चर डेवलप करना है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस स्टेशन से भागे लश्कर के दो आतंकी फिर गिरफ्तार हुए। आतंकी मारूफ नजीर और शाहिद शौकत के भागने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवि ने लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। 18 सालों से फरार था अब्दुल, 1,00,000 रुपए का इनाम था। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में एक और गवाह बयान से पलटा। कर्नल पुरोहित के करीबी रहे पूर्व सैनिक ने बंदूक की नोक पर गवाही लेने की बात कही। एनआईए कोर्ट में अब तक 34 गवाह बयान से पलट चुके हैं, आज फिर सुनवाई। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आज तय होंगे आरोप। आफ्ताब पर श्रद्धा की हत्या कर 35 टुकड़ों में शव काटने का आरोप। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके वकील ने खड़े किए सवाल। रिपोर्ट में खुलासा हुआ, आकांक्षा के पेट में 20 ml भूरे रंग का पदार्थ मिला, कलाई पर भी चोट के निशान। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। आकांक्षा दुबे के वकील ने सवाल खड़े किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा के पेट में भूरे रंग का लिक्विड मिला है, कलाई पर भी चोट के निशान। मैक्सिको से दिल्ली लाया गया कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को स्पेशल सेल ने मैक्सिको में गिरफ्तार किया था। देश के टॉप 10 गैंगस्टर्स में शामिल है दीपक बॉक्सर। 5,00,000 रुपए का इनाम था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का करीबी माना जाता है बॉक्सर। दिल्ली के सिविल लाइंस में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या मामले में बॉक्सर की तलाश थी। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से दीपक बॉक्सर गोगी ग्रोह की कमान संभाल रहा था। दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ने कहा, दिल्ली एनसीआर में अभी कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं। भारत में फिर भयावह होता जा रहा कोरोना। 24 घंटे में 4,435 नए मामले मिले, एक्टिव केसेस की संख्या 23,000 के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 509 नए मरीज आए। दिल्ली में संक्रमण दर 25% के पार। दिल्ली में कोरोना के 1,174 एक्टिव केसेस, इनमें से 112 लोग अस्पताल में भर्ती, 47 आईसीयू में। पंजाब में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार तेज। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य भर में कोरोना के 100 केस, तरनतारण में एक मरीज की मौत। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी। अमृतसर में भारतीय सीमा में दिखा ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग। सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 पैकेट्स हेरोइन बरामद। केंद्र सरकार दूध सहित डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित। कीमतों पर कंट्रोल के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स आयात पर हो रहा विचार। 3 निजी कंपनियों ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की। 2 रुपए प्रति लीटर और 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दूध के बढ़ते दामों पर जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, आज दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर, 1 साल में 15% की बढ़ोतरी, 1 दशक में सबसे तेज। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, महंगाई भारत जोड़ो यात्रा के प्राथमिक मुद्दों में थी और कैसे महंगाई के कारण आवश्यक वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है।
दिल्ली में विश्व शांति सद्भाव दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शिरकत की। समारोह में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे। दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना ने अशोकनगर में जेलर वाला बाग और वैष्णवी पार्क का दौरा किया। इस दौरान गवर्नर ने पार्क का जायजा लिया। देहरादून में मां संतला मंदिर में भक्तों का तांता लगा। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। मंदिर 11वीं सदी पुराना बताया जा रहा है। रमजान के महीने में खाने पीने की चीजों के लिए भिंडी बाजार में लगी भीड़। बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकले। भोपाल में शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर विरोध जारी। लोगों ने बांटा दूध। हनुमान चालीसा का पाठ किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने का अनोखा तरीका निकाला। नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं की सुरक्षा का संदेश दिया। सूरत के चिड़ियाघर में जानवरों की ठाट। तापमान में बढ़ोतरी के चलते जानवरों को दिक्कत ना हो इसलिए चिड़ियाघर में विशेष तैयारियां की गई। जानवरों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट पाउडर और मल्टीविटामिन टेबलेट्स दिए जा रहे हैं। कूलर फव्वारे का इंतजाम किया गया है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह गरीब बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। लाल किले के परिसर में गरीब बच्चों के लिए पाठशाला लगाने की मुहिम शुरू की। केरल में ट्रेन में आग लगाने वाले संदिग्ध को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से हिरासत में लिया गया। रत्नागिरी पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। संदिग्ध से पूछताछ जारी। संदिग्ध ने अलप्पुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस पर 2 अप्रैल की रात चलती ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ डाला था। आग में झुलसकर एक बच्चे समेत 3 की मौत हो गई थी। 9 घायल हुए थे। मामले की टेरर एंगल से भी जांच शुरू की गई है। जांच में स्थानीय पुलिस के अलावा एनआईए भी शामिल हुई। संदिग्ध का किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन का पता किया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सांख्यिकी समिति का चुनाव जीत लिया है। भारत का 4 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। भारत को 53 में से 46 वोट मिले। दक्षिण कोरिया को 23, चीन को 19, यूएई को 15 वोट मिले। रामनवमी हिंसा पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बयान पर भारत का पलटवार। भारत ने संगठन को बताया सांप्रदायिक और भारत विरोधी। ओआईसी ने रामनवमी हिंसा में मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया था। चीन ने हेनान द्वीप पर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी की तैनाती की। अब चीनी मिसाइलों की जद में अमेरिका का हर एक शहर। 2030 तक चीन 8 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कर सकता है तैनात। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए चीन की आलोचना की है। ईयू का कहना है रूस का समर्थन ना ही चीन और ना ही यूक्रेन के हित में है।